हमारे पास एक और एक स्टूडेंट है 27 नवंबर बैच से, अपना नाम बताओ। दिनेश माली। कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान से, ठीक है। तो आपका आज का कितना दिन चल रहा है क्लास में? चार दिन हो गए सर। सीपीओ एमएमसी वगैरह काम कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा, हाँ सर। तो अभी आज क्या काम करे आपने जरा बता सकते? अभी ये सीपीयू रिबोलिंग किया सर, ऑन सेट था। ऑन सेट? हाँ सर, सर ने दिया था ऑन सेट, उसको सीपीयू रिबोल करके वापस लगाया सर। ठीक है, तो अभी ऑन हुआ नहीं हुआ एक बार बता सकते अभी वापस से? जी सर। जैसे कि यहाँ पे रीडिंग आ रहा है डीसी पे, और एक बार बता सकते थोड़ा डिस्प्ले करेक्टर यहाँ पे शायद लूज होगा, एक बार दबा के देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है। आ गया सर। ठीक है, आ गया। डिस्प्ले का थोड़ा प्रॉब्लम, एक बार फिर से निकाल के फिर से ऑन करो। डिस्प्ले कनेक्टर खराब है, ये अच्छे से लगा लेंगे। हाँ, आप एक बार फिक्स है। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा सा दबा के ये आया सर। डिस्प्ले थोड़ा मिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है फ़ोन। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ बताइए मुझे कि ये फ़ोन अभी इसके पहले जब आपको ऑन दिए थे तो आप इसके पहले काम कर सकते थे? सीपीयू के ऊपर कभी काम किया? नहीं सर, कभी नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है सर। आप कितने साल से काम करते हो? सर 7 साल से कर रहा हूँ काम, लेकिन नॉर्मली काम कर रहा था, और यहाँ आके मुझे पता चला कि 4G IC वगैरह पीएल जो छोटी मोटी जो IC है वो भी मुझे काम निकालने नहीं आती थी। सर ने बताया एकदम ईजी ट्रिक से, ठीक है ना। इसके बाद सर सीपीयू का ट्रिक बताया, ठीक है ना, वो अभी आसानी से हो रहा है अभी। तो 4 दिन के अंदर आपने 4G सीपीयू का ऑन सेट का सीपीयू निकाल के फिर से लगा दिए? हाँ सर। तो अभी ऑन हो गया? हाँ सर। तभी जो डर था बनाने में? हाँ सर, वो डर था अभी, मतलब आने से पहले डर ही था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी मतलब डर पूरा हट गया मेरे से। अब डर अब हाँ निकल गया। अब कोई भी सीपीयू पे अगर काम करना है तो कर सकते बिंदास? हाँ सर, बिंदास कर सकता हूँ सर। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया भाई आपको? सर फोन फिक्स हैदराबाद से। फोन फिक्स हैदराबाद की वजह से? तो आपको इतना इजी ट्रिक में वन शॉट में रिवॉल्व करना बता दिए जो सागर सर का ट्रिक है, तो आपको कैसा लगा वो? बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो कह रहा हूँ सर फोन फिक्स हैदराबाद बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे है? मतलब फोन फिक्स को कैसे ज्वाइन कैसे हुए आप? सर मैं काफ़ी सारी मतलब इनकी वीडियो देख रहा था, ठीक है ना, मैं 2-3-4 इंस्टीट्यूट पर गया, वहाँ पर डेमो भी लिया, ठीक है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगा रिस्पॉन्स। अभी फिर मैंने फिरोज सर से मैंने कांटेक्ट किया, 10-15 सर बात की उनसे। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला आप 2-3 दिन आप देखो, आपसे आपके हाथों से ही आपको 4G सेट ऑन कराएंगे, ठीक है ना सर। तो यहाँ आके मुझे ऐसा तो नहीं है ना भाई, हम लोग यहाँ पे सिर्फ वन टाइम बताते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, आप अपना देख लो ना तो मत करो। नहीं नहीं सर, एक एक पॉइंट हमको बताते सर, और मुझे मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी वो भी मुझे बताई सर ने, सागर सर ने और यूसुफ सर ने। अभी ये चीज़ बताओ, ये जो तुम बनाए ये कोई फेक तो नहीं बता रहे? नहीं सर, फेक नहीं, फेक तो नहीं बोल रहे? ऑन बोर्ड है सर, फेक नहीं है बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं मैं कोई फोन आपके हाथ में थमा दिया और बोलने के लिए लगा ऐसा तो नहीं बनाया सर? नहीं नहीं सर, आप अपने दिल से बताइए कि ये फोन खुद से बनाए नहीं बनाए? ये मैंने खुद से बनाया सर। सीपीयू निकाल के चालू फोन का सीपीयू निकाल के फिर से लगाए? हाँ सर। कैसे तो बीच में झूठ बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे सर? बिल्कुल झूठ नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही अगर दूसरे जो स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं तो उनको क्या बोलना चाहेंगे भाई, ये फोन के ऊपर जो काम करने का तरीका यहाँ कैसे सिखाया जाता है, इजी में बताते हैं हार्ड में बताओ? एकदम इजी तरीके, मतलब शॉर्ट, मतलब आप चाहो आप मतलब एक आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि फर्स्ट टाइम में आपको है ना सीपीयू रिबोल हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो वो सीख पाएंगे नहीं फिर जो सर, आने वाले बंदे? एकदम इजी तरीके से वो सीख पाएंगे। तो उनके आने के लिए क्या बोल सकते हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ सर फोन फिक्स हैदराबाद नेक्स्ट से बुक कर लो सर अभी भी। चलो ठीक है सर, वेल डी। चलो ओके, थैंक यू सर।